हमारे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की स्थापना का निर्णय किया गया है। अगर मुझे मोदी जी को कहना हो तो मैं तो ये भी कह सकता हूं, या आप सब लोग भी कहते ही होंगे, मोदी इज अ मैन ऑफ अलायंसेस, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, या फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हो, एक के बाद दूसरे अलायंस, या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारी भारत यूएई से लेकर यूरोप तक की है, ये भी अपने आप में क्रांतिकारी कदम या बड़े निर्णय उस दिशा में उठाए गए। लेकिन जो एक क्षेत्र था सदा इस रोजमर्रा की जिंदगी से अछूता रह जाता था, वो था कहीं ना कहीं बिग कैट अलायंस का या फिर हमारे टाइगर कंजर्वेशन का। इसमें कुछ बड़ी निर्णय हुए हैं। भारत सरकार के टाइगर कंजर्वेशन के प्रयासों की सफलता के फलस्वरूप जहां टाइगरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और भारत में टाइगरों की संख्या दुगनी से ज्यादा हो गई है, ये चार वर्ष पूर्व भी हमने इसको पूरा कर लिया, और टाइगर संरक्षण के क्षेत्र में भारत के अनुभव और लीडरशिप का उपयोग विश्वभर में 7 बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पुमा, जैगुआर और चीता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये IBCA का जो निर्णय लिया गया है बिग कैट अलायंस का, इसका मुख्यालय भी भारत में ही होगा, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय यहां पर है। इस अलायंस में वैसे देश सदस्य होंगे जहां ये 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं, और या फिर पूर्व में ये प्रजातियां पाई जाती थी। इसके अतिरिक्त वन्य जीवन संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली साइंटिफिक संस्थाएं और कॉरपोरेशन को भी इस अलायंस के सदस्य के रूप में रखा जाएगा, और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल के बहुत करीब है, हम लोग 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता इसके लिए देंगे।